वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है एस आई यूनिट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एस आई यूनिट्स ऑफ आल द फिजिकल क्वांटिटीज फ्रेंड्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीके एस एस जॉब्स दैन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपेशन जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फास्ट ट्रैक रिविजन कर रहे हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फिजिकल क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट्स होता है वो होता है हर्ट्स नेक्स्ट इज और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एच जेड नेक्स्ट इज फोर्स फोर्स का होता है न्यूटन और सिंबल होता है इसका एन प्रेशर या फिर स्ट्रेस इसका होता है पास्कल सिंबल होता है पी स्मॉल ए नेक्स्ट इज़ एनर्जी वर्क क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी हो वर्क हो या फिर क्वांटिटी ऑफ हीट हो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जोल और सिंबल होता है जे नेक्स्ट इज पावर या फिर रेडिएंट फ्लक्स इसका ऐसा यूनिट होता है वाट और सिंबल होता है इसका डब्ल्यू नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इसका ऐसा यूनिट होता है कोलम्ब सिंबल होता है सी नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है वोल्ट नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऐसे यूनिट इज फर्द कैपेसिटेंस का ऐसे यूनिट होता है फर्द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऐसे यूनिट इज ओम नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। ऐसे यूनिट इज सीमेंट्स कॉन्टेक्टेंट्स का ऐसा यूनिट होता है सीमेंट्स नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा यूनिट इज वेबर डब्ल्यू पी मैगनेटिक फ्लक्स वेबर नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा यूनिट इज टेस्ला नेक्स्ट इज इंडक्टेंस इंडक्टेंस का होता है हेनरी एच से डिनोट करते हैं इसको नेक्स्ट इज ल्यूमिनस फ्लक्स या फिर ल्यूमिनस पावर इसका होता है ऐसा यूनिट ल्यूमन ठीक है उसके बाद में आता है हमारा एल्यूमिनेट्स एल्यूमिनेंट्स का होता है लक्स डिनोट करते हैं इसको एल एक्स से नेक्स्ट इज एक्टिविटी किस किस की एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड या फिर रेडियो एक्टिव सोर्स एबसोर एब्जॉर्बर डोज एब्जॉर्बर डोज इंडेक्स तो ये जो एक्टिविटी होती है किस किस की एब्जॉर्बर डोज या फिर एब्जॉर्बर डोज इंडेक्स की ये होती है नो no. अभी हम जो है सिर्फ एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो न्यूक्लाइड या फिर रेडियो एक्टिव सोर्स की बात कर रहे हैं इसका ऐसा यूनिट होता है वैक्ल वैक्वाल होता है इसका ठीक है वैक्ल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड या फिर रेडियो एक्टिव सोर्स नेक्स्ट इज एब्जॉर्बर डोज या फिर एब्जॉर्बर डोज इंडेक्स एस यूनिट इज ग्रे जी वाई से डिनोट करते हैं इसको अभी है सम एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स एक्सप्रेस्ड बाय यू नो मीन्स ऑफ एसआई यूनिट्स अभी देखते हैं हम फिजिकल क्वान्टिटी है हमारे पास मैग्नेटिक मूमेंट इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जोल पर टेस्ला मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऐसे यूनिट होता है जोल पर टेस्ला नेक्स्ट इज डायपोल मोमेंट ऐसे यूनिट इज कोलम्ब मीटर नेक्स्ट इज जो इसका जो सिंबल है फर्स्ट वाले का जोल पर टेस्ला का वो है जे टी टू पावर माइनस वन नेक्स्ट इज कोलोम्ब मीटर सी एम अच्छा अभी चलते हैं हम डायनेमिक बिस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पोस्यू पश्यूले आर पास्कल सेकेंड ठीक है डायनेमिक का डायनेमिक बिस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है पोस्यूले आर पास्कल सेकेंड आर न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर तो इसका जो डिनोट किससे करते हैं इसको सिंबल जो है इसका है पी, पी एल या फिर पी ए या फिर एन एम एन एस एम माइनस टू ठीक है रेज टू पावर माइनस टू नेक्स्ट इज अभी आता है टॉर्क कपल मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क या फिर कपल या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर टॉर्क कपल मोमेंट ऑफ फोर्स तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर एन एम से डिनोट करते हैं इसको सरफेस टेंशन का होता है न्यूटन पर मीटर और इसको करते हैं एन पर मीटर से डिनोट सरफेस टेंशन का क्या होता है न्यूटन पर मीटर और टॉर्क कपल या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स का होता है न्यूटन मीटर एन एम सरफेस टेंशन का होता है न्यूटन पर मीटर नेक्स्ट इज पावर डेंसिटी या फिर इराडियंट्स या फिर हीट फ्लक्स डेंसिटी अब यहाँ पे डेंसिटी की बात हुई है पावर डेंसिटी इराडियंट्स या फिर हीट फ्लक्स डेंसिटी तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है होता है वाट पर स्क्वायर मीटर डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी या फिर इंट्रोपी इसका ऐसे यूनिट होता है जोल पर कैल्बिन जे पर के नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एनर्जी या फिर लेटेंट हीट इसका होता है जोल पर किलोग्राम जे पर केजी नेक्स्ट इज रेडिएंट इंटेंसिटी इसका होता है वाट पर स्टेडियन डब्ल्यू एस आर रेज टू पावर माइनस वन नेक्स्ट इज थर्मल कनेक्टिविटी का होता है वाट पर मीटर कैल्बिन थर्मल कनेक्टिविटी का होता है वाट पर मीटर कैलबिन डब्ल्यू एम रेज टू पावर माइनस वन नेक्स्ट इन एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी का होता है जोल पर क्यूबिक मीटर जे पर मीटर क्यूब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है इसका होता है वोल्ट पर मीटर वी पर एम नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी इसका होता है कलम्ब पर क्यूबिक मीटर सी पर मीटर क्यूब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स डेंसिटी का होता है कलम्ब पर स्क्वायर मीटर सी पर मीटर स्क्वायर अभी है परमिटिविटी का परमिटिविटी का होता है फर्द पर मीटर एफ पर एम नेक्स्ट इज परमेबिलिटी का परमेबिलिटी का होता है हेनरी पर मीटर एच एम नेक्स्ट इज मोलर एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जोल पर मोल मोलर एनर्जी का होता है जोल पर मोल जे पर मोल नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम या फिर प्लैंक कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम या फिर प्लैंक कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट होता है जोल सेकेंड जे एस नेक्स्ट इज मोलर इंट्रोपी मोलर हीट कैपेसिटी का होता है जोल पर मोल कैलब नेक्स्ट इज एक्सपोजर एक्सपोजर का होता है यानी कि एक्स रेज एंड एक्स रेज और बाई रेज तो यहाँ पे जो एक्सपोजर का होता है वो होता है कोलम्ब पर किलो ग्राम नेक्स्ट इज एब्जॉर्बर डोज रेट ग्रे पर सेकेंड नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी का होता है पर पास्कल नेक्स्ट इज इलास्टिक मॉड्यूली इलास्टिक मोड्यूली का होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट पास्कल पर मीटर नेक्स्ट इज सरफेस पोटेंशियल जोल पर किलोग्राम नेक्स्ट इज प्रेशर इनर्जी पास्कल क्यूबिक मीटर नेक्स्ट इज इम्पल्स इम्पल्स का होता है न्यूटन सेकेंड नेक्स्ट इज यहाँ पे आता है एंगुलर इम्पल्स का होता है न्यूटन मीटर सेकेंड नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है ओम मीटर नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी का होता है जोल पर स्क्वायर मीटर तो फ्रेंड्स ये थे आज के एस यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज मुझे पता है आपने ये जो चैप्टर है रिवाइज कर लिया है बट आई थिंक देर इज ए ग्रेट नीड टू रिवाइज वंस अगेन सो हमने आज ये जो है रिवाइज कर लिया है फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आर लेटेस्ट वीडियो इसी प्रकार जो है हम सारे के सारे टॉपिक जो है बिफोर टेन अच्छे से जो है रिवाइज़ करेंगे ताकि कोई भी चैप्टर कोई भी जो टॉपिक है वो स्किप ना हो जाए सो so, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर